बच्चे के एक विवाद को लेकर। तो ये अपराधियों का जो मनोबल इतना बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ इस वजह से बढ़ता जा रहा है क्योंकि कानून का डर अब बचा नहीं है। और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आरा पहुंचकर दिवंगत प्रोफेसर दंपति के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिजनों को ढांढस दिलाया और कहा कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आए दिन हत्या की संख्या बढ़ती जा रही है, बिहार सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल रही है, ऐसे सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उदाहरण है भैया, कितने लोग गिरफ्तार हो गए पिछली 9 हत्याओं में, मुझे बताइए ना, जो एक के बाद जो घटनाएं घटी थी, कितने लोग खाने के बाद सर प्रशासन मीडिया पर ही सवाल खड़ा कर रहा है कि आप लोग अनुसंधान को प्रभावित कर रहे हैं। भाई क्या प्रभावित कर रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है भैया मीडिया, पत्रकार, और हकीकत है अगर आप लोग आवाज नहीं बनेंगे तो इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा, प्रशासन को फर्क तक नहीं पड़ेगा, प्रशासन को उन्हीं बात का फर्क पड़ता है जो आप लोग सुर्खियां बनाते हैं, उसी से ये लोग डरते हैं घबराते हैं। नहीं तो बिहार में तो आए दिन हत्याएं हो रही हैं भैया, आए दिन हो रही हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही, जिनके बारे में जानकारी भी नहीं लोगों को मिल पा रही है कि उनके परिवार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या माना जाए, नीतीश जी से सत्ता चल नहीं रही है अब भाई? नहीं, जब मुख्यमंत्री को फर्क पड़ता है, मुख्यमंत्री किस चीज में व्यस्त है भैया, अपनी कुर्सी समाधान यात्रा में, समाधान यात्रा में व्यस्त है कि उनके गठबंधन के नेता उनके बारे में क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उपेंद्र सिंह के साथ है नहीं है, राजद उनका साथ देगी नहीं देगी, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, इसके अलावा उनको